देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देवियों एवं सज्जनों, आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 की रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ घंटी वाला ऑप्शन दबा दें ताकि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। सो साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, जो है आप यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट को लेकर किसी भी प्रकार की इसमें कोई इंपॉर्टेंट जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कैसे लेना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप यूपी ट्रिपल एससी को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, इनको कॉन्टैक्ट कर कि आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो को 2018 का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया भी था ऑनलाइन कैसे ईमेल करते हैं वेबसाइट के माध्यम से। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम बता देते हैं आपकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आइए हम बता देते हैं आपको, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ हम आपको बता देते हैं साथियों, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ हम आपको बता देते हैं साथियों, 220 से लेके साथियों 230 के बीच में रहने वाली है कट ऑफ जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, और वहीं पे अब बात कर लेते हैं साथियों ओबीसी कैंडिडेट की। तो हम आपको बता देते हैं साथियों, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ हम आपको बता देते हैं, जो है ओबीसी कैंडिडेट की साथियों 215 से 200 के बीच में 220 के बीच में रहेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। तो एससी कैंडिडेट की हम आपको बता देते हैं, एससी कैंडिडेट की जो है एससी कैंडिडेट की साथियों 190 से 210 के बीच में रहेगी कट ऑफ। ठीक है, एससी कैंडिडेट की। वहीं पे एसटी की बात करें साथियों, तो एसटी की हम आपको बता देते हैं, एसटी कैंडिडेट की 170 से 180 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कट ऑफ आपकी रहेगी। तो आशा करते हैं कि साथियों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई कमी हो या कोई भी कट ऑफ में कोई कमी हो तो आप हमें बताएं। ठीक है, आपके अनुसार क्या रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।